हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, उसके जो एग्ज़ाम है, वो कब से कंडक्ट होने वाले हैं। आई थिंक 7 अक्टूबर से वो कंडक्ट हो जाएंगे इसके एग्ज़ाम, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है, जिसका फेज़ टू जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, 7 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और 3 नवंबर से लेकर के इसके जो फॉर्म होंगे वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके एग्ज़ाम में थोड़ा एयरफेयर देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो होने वाले हैं कि हम इस बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ टू के लिए SST वाले पोर्शन के लिए किस तरीके से तैयारी करें। ठीक है ना, और वहीं पर बात करें हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होगा और 120 नंबर की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ठीक है, उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं 120 नंबर की स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। देखिए, दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक तो होगा लैंग्वेज का जिसमें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 75 क्वेश्चंस, और वहीं पर बात करें हम इंग्लिश की तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, जो कि 100 नंबर का होगा। ठीक है, वहीं पर बात करें हम सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर होगा आपका 120 नंबर का, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। वहीं पर जो मैंने पहले पेपर की बात की है, जो लैंग्वेज का पेपर है होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब है कि वो केवल आपको पास ही करना होगा, उसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे और उसमें केवल 30%, मतलब कि 30 मार्क्स लाने आपको जरूरी है। ठीक है ना, वहीं पर बात करें हम पेपर सेकंड की तो सेकंड पेपर में 40 नंबर का 120 नंबर का होगा। ठीक है, और उसमें से जो 40 नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसमें GS होगा आपका। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, और वहीं पर बात करें हम करंट अफेयर, और फिर प्लस मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वगैरह भी पूछी जा सकती है, हो सकता है SST वाले पोर्शन में। ठीक है, और फिर प्लस जो बाकी के जो 80 नंबर होंगे, उन 80 नंबर्स में आपका जो भी सब्जेक्ट आपने चुना होगा फॉर्म फिलअप करते समय, ये 3 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। या तो आप लैंग्वेज को लेकर के दे सकते हैं, या फिर आप SST को लेकर के दे सकते हैं, और उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, उसको वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर बात करूँ तो सेकेंड जो चीज़ होगी वो होगी या तो आप मैथ्स या साइंस से भर सकते हैं। देखिए, पेपर जो जूनियर भर्ती है, जो क्लास 6 से 8 तक की, उसमें पढ़ाने के लिए बिहार में आपको ये एग्ज़ाम देना होगा और 120 नंबर में से आपको 40 नंबर का GS, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा और बाकी के जो 80 नंबर है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अगर आपने मैथ्स से भरा है तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, अगर आपने साइंस से भरा है तो आपको साइंस के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर आपने SST से भरा है तो आपको वहाँ पर SST के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो सारे पेपर और पैटर्न की बात होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें के ऊपर मैंने बात कर ली, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है आपको, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 120 नंबर की स्ट्रेटेजी मैंने क्यों बताई, क्योंकि 120 नंबर की स्ट्रेटेजी केवल हम पेपर टू के लिए बोल करके चल रहे हैं। देखिए, हमें ये सोच करके तैयारी नहीं करनी है कि हमें केवल 80 नंबर लाने हैं, नहीं। अगर आप ऐसा सोच करके चलोगे कि मुझे 80 नंबर की तैयारी करनी है, तो आपका जो टाइम होगा, जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी, वो केवल 80 नंबर तक ही सिमट के रह जाएगी और जो व्यक्ति जितने नंबर सोचता है उससे कहीं ना कहीं 10 या 20 नंबर कम ही आते हैं उसके। तो इसलिए हमें केवल जो टोटल मार्क्स है 120 नंबर, उन पूरे 120 नंबर की तैयारी करनी है, ना कि हमें ये सोच करके चलना है कि हमें 80 नंबर की तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, तो हमें 120 नंबर की स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी है, जिसमें हम आपको बताएंगे आगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चुननी होगी। हिंदी अगर आप चुनते हैं तो मोस्टली जो बच्चे होंगे वो हिंदी ही चुनेंगे। इनमें से आपको 75, मतलब कि 75 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए ये जो पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, और इसमें से आपको करना क्या है, एक बुक ले लेनी है
जो भी प्रैक्टिस बुक है इसके लिए मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 घंटे दीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पहले से किसी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। स्ट्रांग नहीं कह सकते, अगर वीक भी है तो आप केवल अब थोड़ा सा 1 या 1.5 घंटे भी देते हैं तो जब इसका एग्ज़ाम होगा तो इतना तो आप मैच्योर हो ही जाएंगे कि इसमें 30 नंबर आसानी से लेकर के आए। और एक चीज़ मैं आप यहाँ पर कहना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इसमें, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और वहीं पर बात करूँ तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, चाहे भले वो 100 हो या 120 हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं, और लैंग्वेज प्लस मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों में 100 और 120 दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करके आने हैं। हालांकि ऐसा भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, ये नोटिफिकेशन को आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग मुश्किल ही होगी, ठीक है, मुश्किल है कि उसमें हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि जो अगला पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि अगला पोर्शन है जिसमें 40 नंबर की जीएस करंट अफेयर मैथ्स रीजनिंग आएगी, उस पोर्शन को आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं करने के लिए। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप पहले सब्जेक्ट का उस मैथ और रीजनिंग का सिलेबस उठाना। सिलेबस उठाने के बाद जो जो टॉपिक्स आपको लगे जो जो टॉपिक्स आपको वहाँ पर सिलेबस में मिले तो उनके लिए ना प्लेलिस्ट, नॉर्मल सी जो ये सिलेबस होगा ना वो हर इसकी प्लेलिस्ट आपको किसी ना किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी टीचर के द्वारा कराई गई होंगी। तो उनसे रिलेटेड हर एक टॉपिक को सर्च करके मैथ्स और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। क्या किस किस का? मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो आपको किसी यूट्यूब के चैनल पर जाकर के वहाँ पर जो भी प्लेलिस्ट बनी हो आपको जो भी पसंद आए उसकी क्लासेस से ख़त्म कर लेना है, ठीक है। फिर प्लस रही बात जीएस और फिर प्लस करंट अफेयर की, किसकी? जीएस प्लस करंट अफेयर की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उत्कर्ष चैनल है, एक उत्कर्ष चैनल है जिस पर एक सुबह सुबह कुमार गौरव सर हैं, कौन है? कुमार गौरव सर, उनकी एक क्लास आती है सुबह सुबह करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की, ठीक है। तो वो क्लास आपको लेनी मस्ट है। देखिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और हालांकि उत्कर्ष जैसे चैनल का मैं क्या प्रमोशन करूँगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको क्लास होने वाली है ये एक रामबाण साबित होगी आपके, अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका SST है तो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर और जीएस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस क्लास से ही आप कवर कर सकते हो। तो जीएस प्लस करंट अफेयर और जीके वगैरह के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एकमात्र क्लास ऐसी है क्योंकि समय कम है, 1 महीने का समय ही केवल आपको मिलेगा। तो आप इस क्लास को फॉलो करके काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई होंगी, अगर देखोगे तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर जो सिलेबस आएगा ना इसके लिए उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई होंगी, ठीक है ना। तो कोई भी चैनल जो आपको पसंद लगे, जो जिसका पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए, उसके लिए आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। फिर वहीं पर बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है और फिर प्लस अगर आपका सब्जेक्ट SST है या फिर अगर आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज है कोई भी, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, पेपर नहीं देना चाहते मतलब जिस लैंग्वेज के लिए आप पेपर दे रहे हैं, जिस लैंग्वेज के सब्जेक्ट बनने टीचर बनने के लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले NCERT मस्ट है हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो या फिर लैंग्वेज हो। कितने से कितने तक की? 6th to 10th तक की, ठीक है, आपको NCERT पढ़नी है, ठीक है। अगर समय मिले तो आपको 11th और 12th, देखिए अगर आपने किसी ने पहले से ही पढ़ रखी है तो 11th और 12th भी वो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ सकता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें कि आप कहेंगे कि क्या 6th to 10th तक की क्या पूरी नहीं रहेंगी, क्या मतलब कि 6th to 10th तक की सफिशेंट नहीं रहेंगी, तो मैं कहूँगा कि देखिए 6th to 10th तक की जो NCERT है वो सफिशियंट रहेंगी, बट अगर आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 11th और 12th के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है।
वहीं पर बात करें हम, मैंने आपको बता दिया कि SST के लिए आपको क्या करना है, साइंस साइंस है तो केमिस्ट्री ज्योग्राफी सॉरी केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स, जो भी साइंस की सब्जेक्ट जो भी साइंस की बुक है 6th to 10th तक की वो पढ़नी है, और मैथ की भी जो भी बुक आती है वो आपको पढ़नी है। वहीं पर बात करें हम SST की, तो SST की आपको 4 सब्जेक्ट की बुक 6th to 10th तक की पढ़नी है। वो कौन कौन सी? जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, और फिर प्लस हिस्ट्री, और 9th से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 4ों सब्जेक्ट आपको 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की पढ़नी है। अगर आपको समय मिले, आप पहले से ही इन बुक पढ़ चुके हैं, तो आप 11th और 12th की भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। वहीं पर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिए भी आपको यही करना है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या कोर्स लेना इसके लिए बेटर रहेगा। देखिए, मेरी अगर आप पहले से ही अगर कुछ सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है और सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आप कोर्स ले सकते हैं, बट देखिए आप जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर केवल कोर्स के ऊपर ही रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, एक कोर्स में डेली 10 से 11 क्लासेस होती हैं। कितनी? 10 से 11 क्लासेस होंगी, ठीक है, और उनमें से आप 10 से 11 क्लासेस आप लिखने में लगाएंगे, आप समझने में लगाएंगे, या नोट्स बनाएंगे, या फिर और काम करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपका मन है हालांकि जो भी चीज़ें हैं, बट जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए, लैंग्वेज पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। सेकेंड चीज़, सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आप NCERT को पढ़िए, एकमात्र सॉल्यूशन NCERT या फिर SCERT, ठीक है, SCERT, ठीक है, मतलब बिहार स्टेट की जो भी SCERT बुक्स हैं उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। और NCERT प्लस SCERT, ये दोनों ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी एक क्लास लेनी है कुमार गौरव सर की, और फिर प्लस मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप प्ले लिस्ट उठा सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल जो भी अगर सिलेबस आएगा निकल करके नोटिफिकेशन के तहत, वो 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इतना हार्ड सिलेबस नहीं होगा अगर आप प्लेलिस्ट के थ्रू करोगे। तो NCERT प्लस एक उत्कर्ष की क्लास, और फिर प्लस लैंग्वेज के लिए आपको जो भी बताना है वो मैंने आपको बता दिया, और भी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल सॉरी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर करके आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, केवल आप व्हाट्सएप नंबर ही व्हाट्सएप मैसेज ही कर सकते हैं, 7983401982, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, और आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि कॉल पिक नहीं होगी, ठीक है। तो यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, आई होप सॉरी एक बार पैटर्न को अब मैं बता देता हूँ, एक बार पैटर्न को डिस्कस कर देता हूँ। पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में वही लैंग्वेज, लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ठीक है। और पेपर 2 की बात करें तो जो 40 नंबर का होता है उसमें GS, स्टैटिक GK वगैरह, ठीक है, और करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, और फिर प्लस जो बाकी का 80 नंबर का जो पोर्शन होता है उसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन, जिस भी सब्जेक्ट से आपने भरा है, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न होता है। और वहीं पर बात करूँ मैं पेपर 1 की, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें केवल 30 मार्क्स आपको लाने होते हैं। और वहीं पर बात करें हम सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से जान सके और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।